करते हैं। हमने आधा किलो मटन ग्लेजी ली है। सबसे पहले हम एक चम्मच इसमें वाइट विनेगर ऐड करेंगे। एक छोटा बाउल दही फिटा हुआ ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर कर मैरिनेशन के लिए रख देंगे। हमने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम इसमें आधा बाउल कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको एक दो मिनट फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को फ्राई होते हुए एक दो मिनट हो चुके हैं। अब हम आधा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे साबुत। इसके बाद जो हमने कलेजी मैरिनेट की थी वो ऐड करेंगे। और इसको एक दो मिनट फ्राई करेंगे अच्छे से कि इसका कलर चेंज हो जाए। कलेजी को फ्राई होते हुए पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर देंगे। एक चम्मच कुटा धनिया ऐड करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। हमारे मसाले कलेजी में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको कवर कर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पका लेंगे। कलेजी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। कलेजी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। दो चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी कलेजी बनकर तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। मटन हांडी कलेजी को हमने डिश आउट कर लिया है। सर्व करने के लिए रेडी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।